सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे आप सभी लोग पता लगा सकते हैं कि आपके WhatsApp प्रोफाइल पिक्चर को कौन कौन देखता है। तो एक टाइम के बाद आप अपने WhatsApp में प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करते हैं, उसके बाद आप शायद सोचते होंगे कि आपके प्रोफाइल पिक्चर को किस किस ने देखा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप सभी लोग देख रहे हैं टेकबाज यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए आप सभी को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो एप्लीकेशन का लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता कि मेरे लिंक से कैसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा स्टेप बताया कैसे आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करना है, तो उसे ज़रा चेक कर लेना। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप सभी को एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो पहली बार जब एप्लीकेशन को आप सभी लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल फीचर है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप सभी को बताऊँगा कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर कौन कौन देखता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी को इस पावर फीचर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा हु व्यूड माय प्रोफाइल, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। तो इन सारे कॉन्टैक्ट्स ने आपके प्रोफाइल पिक्चर को चेक किया है। तो इस तरह से जो आप पता लगा सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर किस किस ने देखा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 100% करेक्ट शो नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो गलत भी दिखाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, नाइस सुपर कुछ भी, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।